पानी का टग। भाई पत्थर गिर क्या है, पत्थर क्या ब्यूटी है यहाँ से ना, हिमालयन पीक दिखती है। कौन है कौन है कौन है कौन है? तो भैया जी अभी हम निकल चुके हैं सबके सब। तो अभी का प्लान है हम जा रहे हैं भद्राज। बाकी राइडर्स आई गेस ऊपर निकल गए और कहाँ गए पता नहीं। तो अभी का सीन ये, पंकज का मुझे कॉल आया। पंकज कह रहे हैं कि भाई 10 मिनट रुक जाओ मेरे लिए, मैं भी आ रहा हूँ। कॉल के बताया था उन्हें एक बारी कि भाई मैं अभी पंकज का वेट कर रहा हूँ, तुम लोग आगे निकलो। और अभी जो मेरे पास बाइक्स हैं वो हैं अपनी स्क्रैम्बलर, अपनी जावा क्लासिक, अपनी एक्सपल्स 200 4V और TVS अपाचे RTR 200। अभी अपन RR 310 लेके जा रहे हैं और अभी RN5 आ रही है पंकज की, तो वी विल बी लाइक फो निकलेंगे। तो अभी मैं उसका वेट करता हूँ, पता करता हूँ कहाँ है भाई लड़का। एंड वी विल लीव फॉर भद्राज। पंकज अभी गया ऊपर, अब पता नहीं कहाँ गया। Yeah, boy! चलो भाई वो ले ऊपर खड़े में, चलो 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 चलो। भाई आज मौसम तो मस्त हो रहा है ना, मजा आ रहा है। और अभी मिल गया मुझे पंकज, मिल गया। काफी लोग ऊपर खड़े हैं, काफी आगे चल गए। ये पंकज हमारा होट है। ये बॉय कौन है कौन है कौन है कौन है? अभी का प्लान है भद्राज टेम्पल जाने का। तो आई डोंट नो कि आरआर कैसा परफॉर्म करेगी भद्राज वाले रास्ते पे, क्योंकि भद्राज की रोड इतना कोई खास रोड नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत खतरनाक ही है। पर लेट्स सी, जब लास्ट टाइम गया था तब तो उनको बाइक फोड़ के रहनी पड़ी, क्योंकि बर्फ पड़ी थी पूरे रास्ते में। लेट्स सी इस बार कैसा जाता है। वैसे वहाँ पे देखो भद्राज टेम्पल में टेम्पल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। चाहो तो यू कैन गो हैव फन, मतलब व्यू के लिए जा सकते हो। बाकी वहाँ पे ऐसा कुछ इन स्पेसिफिक कुछ खतरनाक नहीं है। और यहाँ पक्का क्राउड होगा, देखा लोग लग ही रहता ट्रैफिक है। बताओ यार क्या ट्रैफिक है, देखो क्या भीड़ है। मतलब संडे सैटरडे संडे तो इट्स लाइक मसूरी आना, झंझट है यार, मतलब बहुत भीड़ हो जाती है। रुक जा भाई सरदार जी। अब जाम लगा देगा, ऐसे लोग ये लोग जाम लगा देते हैं। कौन है तू? नो 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 नो, ट्रैफिक में उसे देख ले तू। नो 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 नो, वो स्कूटी वाला वही सरदार जी पार हो गए। ओहो ये भी फायर फायर पॉइंट हो लोगे भाई। कंटेंट यू नो, कंटेंट के लिए कुछ भी चलता है यार लिटरली। तो भाई ये आहा, मतलब इसका चलान नहीं कटता गया। ओ भाई सरदार जी सरदार जी को जिंदगी प्यारी नहीं है भाई, बहुत मतलब जुल्लू बिल्लू बिल्लू है कि बच्चा बिल्कुल इतना। भाई सरदार जी फिर मिलते हैं। यार फिर बारिश शुरू हो गई, मतलब बारिश वाला जो फैक्टर है ना, जैसे मजा है पर रोज रोज मजा हो सदा बन जाता है। बारिश गिर रही है और भाई रोज रोज की बारिश ना सही में अच्छी नहीं लगती। एक बारी हो चलता है, दो बारी हो चलता है, बार बार नहीं पसंद। पता नहीं कहाँ गई तन्मय यार, बहुत जल्दी निकले यार, फिर तो स्पीड में चला रहे बहुत। तो भैया जी तन्मय सर को मिल गए हैं। तन्मय आ जा लोगों से थोड़ा लोगे भैया। अरे भैया आज संडे आते हम तो। हाँ दिल्ली बस चल चल। तो भाई इतना बढ़िया बैठे रखा ना, मस्त एक है 150। क्या भाई क्यों नौटंकी करते हो तुम यार, लोगों के काम नहीं है ये, सब टूरिस्टों के काम है। क्यों छेड़छाड़ी करते हो भाई ट्रैफिक सिग्नल्स के साथ यार, मतलब लिखा हुआ है कुछ पता नहीं यार, आके बिल्कुल शुरू हो जाएंगे यार। एक टाइम से तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो प्रॉपर्टी यार गवर्नमेंट की। लेट इट बी बैंकर, अगर तुम नहीं चला रहे हो हम भी नहीं चलाते भाई, जो उसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से। पर तब भी हम ऐसे करते नहीं यार, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते हम। तो यहाँ रोड सूखी है पर थोड़ी छोटी हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है पानी की, हल्की हल्की ड्रिजलिंग चली रही है।
और अभी बाकी राइडर्स पीछे हैं। आगे पंकज लीड कर रहा है अभी। तो आज का प्लान ये था कि कुछ समझ नहीं आ रहा रात को ना, मैंने एक्चुअली समझ नहीं आया संडे को ना, यार सब जगह कोई कुछ कह नहीं आता राइड के लिए। तो अभी क्या हुआ, तन्ने का मुझे एकदम से मैसेज आ गया कि भाई फ्री है। मैंने कहा हाँ, तो चल एक राइड कर चल चलते हैं ऊपर तक। मैंने कहा चल ठीक है चल लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत हो रही है, घर में बैठ के भी क्या ही कर रहे थे संडे को। तो इसलिए मैंने तो कहा चलो भाई, अब जब जाना ही है तो चलो मस्त करके चलो। तो आखिर भी पहुँचने ही वाले हैं, मतलब पहुँच जाएंगे, मतलब इतना कोई बड़ा बहुत बहुत दूर नहीं है, मजाक मजाक में पहुँच जाते हैं। वो देखो क्या वेदर हो रहा है, क्या वेदर हो रहा है, चिल्ड क्लाउड्स क्लाउड्स हो रहे हैं ना, क्लाउड क्लाउड्स तो मस्त जाता है ये साहब, बहुत प्यारा। क्योंकि ऐसी जगहों में आने का ना, देखो एक तो वेदर ना, भले ही बारिश थोड़ा बहुत मूड खराब करती है, पर मौसम है क्वाइट अमेजिंग भाई, मतलब बहुत ही डिसेंट, बहुत ही मतलब ना मुझे गर्मी लग रही है ना मुझे ठंडा लग रहा है। एक्चुअली मेरे को थोड़ी बहुत ठंडी हवा लग रही है, मतलब बहुत नहीं पर हाँ ऐसा है कि मज़ेदार हवा लग रही है, एकदम चिल हो रखा है साहब, तो ना मज़ा आता है। और ऊपर से व्यू इतना प्यारा लग रहा है कि बस क्या बताऊँ, सुंदर व्यू, सुंदर बाइकें, सुंदर लोग, और क्या चाहिए। चलो बाकी तो अपने राइडर्स आ रहे हैं पीछे। तो अभी जो हमारा ग्रुप है उसमें दो ही लोग हैं जो तेज चलते हैं, वो हूँ मैं और पंकज। तन में मॉडरेट है, तन में तेज भी चल लेता धीरे भी चल लेता, पर तन में के पीछे एक्चुअली एक बंदा बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से वो भी थोड़ा हल्के चल रहा है। हल्के मतलब ठीक है, मतलब कोई बुरा नहीं है, स्पीड मतलब मेंटेन है, पर हमें लगता है कि हम तेज चल रहे हैं। उसके बाद बाकी सबका मुझे कोई आइडिया है, चूँकि डेली की बाइक से पहली बार राइड कर रहा हूँ, मिल भी पहली बार रहा, तो ऐसा कोई मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हिसाब है। बाकी रिकॉर्डिंगें हो रही हैं मस्त करके, बहुत लोग फोटो के मिरर्स क्यों क्लोज कर रखे हैं, चूँकि एक्चुअली ट्रैफिक इतना है ना, जब आ रहा कि आप मिरर्स खोलते हो ना, अभी भयंकर क्या हुआ सर, एकदम से फक करके उछलने वाली थी, वहाँ भाई वो गुस्सा हो गया क्या बच्चा मेरा, धोया नहीं ना यार इसको, बेचारी को भी गंदी हो रही थी, बहुत बहुत गंदी हो रही है। बादल बादल हो रखे, बादल पूरा पूरा बादल नीचे आ रखे वही मसूरी में, मतलब क्या मस्त वेदर है। वैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में सबको पता है क्या होगा, बर्फ़ गिरेंगी तो मसूरी तो हमारा बंद हो जाएगा ना, यही टाइम है जब आ सकते हैं, इसके बाद हम नहीं आते मसूरी, मतलब मैं तो पर्सनली नहीं आता, क्योंकि इस पर कहाँ मैं बर्फों में चलूँगा, साइकिल लेके आऊँगा जब बर्फ़ गिरेगी। और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि मैं सोच रहा था डेली व्लॉग शुरू करूँ, पर मतलब ट्राई करने की सोच रहा था, शुरू नहीं मतलब ऐसा एकदम बिल्कुल प्रॉपर नहीं, मतलब सोच रहा था कि एक डेढ़ हफ्ते का ना डेली व्लॉग शुरू करता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ कि क्या होता है। बाकी आप लोग बताओ क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसके बाद डेली ब्लॉग आएंगे नहीं आएंगे। मतलब ड्रिजलिंग ने ना परेशान कर दिया यार, ड्रिजलिंग यार बस करो यार, बस करो यार, मत पता है मौसम बढ़िया हो रहा है, और बढ़िया मत करो बस। हाँ जी हो बाबू, देख मत यहाँ, मत देख यहाँ, मत देख उसमें वो हमारा टारगेट है भाई, आगे पीछे मत देख, सीधा देख। दिक्कत तो क्या होती है जब रोड गीली होती है ना, ऐसा नहीं कि टायर ग्रिप नहीं पकड़ते पर अंदर से खुद कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता, मतलब कॉन्फिडेंस आता नहीं अंदर से कि कर लूँ, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत लोग कर लेते हैं और बहुत गंदी लीन मारते हैं, मतलब हिल जाएगा अंदर देख के कि भाई क्यों मार कैसे रहा, पर वो कॉन्फिडेंस लेवल लाना ना यार बहुत बड़ी बात है। नहीं देखी ऊपर जाके थोड़ा ना, घर में देखिए सिग्नल थोड़ा आते हैं ऊपर। चलो सर चलो चलो, तन में सर लीड मारो। तो वही लुक एट द वेदर, वही लिटरली लुक एट द वेदर, क्या बढ़िया लग रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है, सुंदर एकदम, मजा आ रहा है देखने में भाई, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादलों का देखो क्या प्यारा लग रहा है यार बादल भी। तो यहाँ पे अपना कुछ है नहीं, डाउन पे कुछ होगा तो पता नहीं, पर वरना ये है अपना देहरादून, सुंदर सा देहरादून देख रो, क्या खूबसूरत है यार, लिटरली देख रो क्या मजा आ रहा है। चलो मैं तुम्हें सीधे बद्रास टेम्पल के रास्ते में मिलता हूँ, ठीक है। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा गंदा गंदा रोड आ रहा है, तो वहाँ पे मिलते डायरेक्ट भाई। मतलब मैं कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा, इतना सुंदर है ना अपना देहरादून, बरसातों के बाद तो ऐसा लगता है कि बस जन्नत, ओह इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा, मतलब समझ नहीं आता क्या, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँगी कितना सुंदर है, कैमरा जस्टिस नहीं करता कभी भी यार,
अगर आप सोच रहे हो ना कैमरे से जस्टिस हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। कितना भी बड़ा कैमरा ले लो, आप इनहेंस दे सकते हो पर कभी भी जस्टिस नहीं कर पाएगा आपकी आँखों को कितना सुंदर है। आपको खुद आके देखना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है यार लिटरली। ऊपर से ना यार भगाने का मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा क्योंकि ये व्यू छूट जाएगा यार एकदम अगर मैं भगाने लग गया ना। कंसंट्रेशन बस रोड पर रहेगा, उसके बाद मैं कहीं नहीं देखूंगा, दाएं ना बाएं कुछ भी नहीं। तो ये इसलिए ज़्यादा बढ़िया है कि अपना अभी मैं व्यू देख लेता हूँ, घर जाते हुए आराम से टपाटम निकल जाएंगे। अभी चलते हैं मजे में, देखते देखते भाई पत्थर गिर के आया, पत्थर पत्थर गिर के आया भयंकर। पंकज सर टंकी में बढ़िया घूम रहा है भाई। बाकी आई हैव टू चेंज माय मोड टू रेन क्योंकि वो ऑफ रोड आएगी एंड माय बजट डजंट है, मतलब ऑफ रोड टायर नहीं है, तो ये होती है पावर का फर्क। देखो मुझे कोई इशू नहीं होता ये दूसरे तीसरे गेरेज लाने के लिए। बस रेन पे आ गया एंड हियर वी आर नाउ, वी विल हैव फन। ओके यूजुअली हम ऑफ रोड जाते हैं यहाँ से जाते हैं, बट यहाँ से हम निकल जाएंगे भद्राज, अपना प्यारा भद्राज टेम्पल। ओ बॉय, तो वी आर लिविंग फॉर भद्राज। अभी यहाँ खाना पीना हो गया, बड़ी प्यारी सी बिल्ली थी इधर वो खड़ी हुई बढ़िया करके। और देखो वेदर बहुत प्यारा हो रखा है, मतलब क्या व्यू आ रहा है खुद देखो और फिर बोलो कि क्या मस्त लग रही है जगह। देख रहे हो वेदर, देख रहे हो। ओए हाय, तो अभी हमें ये दिख रहा है आपको पूरी आगे ये जो सांप बना हुआ है, पूरी खड़ी चढ़ाई हमें चढ़नी है, ऊपर जाना है, उसके बाद फिर ऑफ रोड वाला रास्ता आएगा। पर तब तक के लिए हमें चलो यहाँ स्पीड ब्रेकर की बना रखी, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई यहाँ कौन भगाएगा यार, जान नहीं पैसे प्यारी है लोगों की। तो यहाँ चढ़ाई पे स्पीड ब्रेकर डाल रखा, बताओ अब मैं चढ़ाई पे भगाऊंगा नहीं, तो इधर तो स्पीड चाहिए भाई रोड जाने के लिए ऊपर। यहाँ मैं हल्के चलाऊंगा क्या, अब तो चढ़ाऊंगा कैसे। तो आ रहा क्या बढ़िया चल रही है ऊपर चढ़ाई पे, अंदर तुम भाग रही है। तो ये पूरी यूं चलाई है, खड़ी खड़ी चढ़ाई एकदम ऐसा 75 डिग्री पे है पूरी। देख रहे हो कितनी जल्दी हम हाइट गेन कर रहे हैं। एक ओपन ग्राउंड आने वाला है, वहाँ चलते हैं थोड़ा एंजॉय करते हैं वहाँ पे। ये वो ओपन ग्राउंड, तो ये देखो क्या ब्यूटी है, यहाँ से ना हिमालयन पीक दिखती है, पूरी हिमालयन पीक दिखती है यहाँ से, इतना सुंदर लगता है ना, इतना सुंदर, मतलब आप बता नहीं सकता मैं आपको कितना ब्यूटीफुल जगह ये टोटली, आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब कैमरे पे आपको पता मैं दिखाई नहीं सकता कि इतनी सुंदर जगह है, कैमरा जस्टिस नहीं करता इधर। ऐसा लग रहा है कि बस कहीं और ही आ गया हूँ मैं, देहरादून में नहीं हूँ, कहीं और ही आ गया हूँ हिमालयन के बीच में। देखो ये तो क्या बढ़िया रोड है, क्या मतलब बहुत प्यारी जगह है, बहुत मतलब डेफिनेटली अगर आपको आना है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है यहाँ का। एक्चुअली बाइक से भी आ सकते हो और एक ट्रैकिंग वाला रास्ता भी है, ट्रैकिंग वाला रास्ता मैं कभी गया नहीं हूँ क्योंकि मैं ट्रैकिंग करता नहीं हूँ, पर कभी मौका मिला तो करूँगा, तब दिखाऊँगा। तो भाई बाइक पीछे इतनी गंदी हो गई ना, बहुत गंदी हो गई। तो बाकी यहाँ से मैं ऑफ रोड जाना है और तो देखो ऐसा कुछ व्यू है इधर का, क्या सुंदर लग रहा है। बाकी आगे बाकी राइडर्स, तो देखो भाई
मतलब अभी पूरा फॉग हो गया, मैं सोचा था कि कुछ व्यू मिल जाएगा, पर बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा, पूरा क्लाउड आ गया। बाकी अपन लोग बद्रा टेम्पल पहुँच गए थे तो अभी कुछ व्यू नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली हम सब निकल रहे हैं वापस घर के लिए। बाकी बहुत सुंदर मंदिर है, अगर आप आ सकते हो और आपको ऐसी रोडें पसंद है, एडवेंचर थोड़ा, तो बहुत सही रोड है, आप आ सकते हैं यहाँ पे।